वेलकम गाइस। ओप्पो का A12 जो है अब UMT प्रो से इजीली हो रहा है। पहले इसमें एरर आ जाता था, मेटा मोड पर जाने के बाद भी ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता था। तो मैं आपको बस फिजिकली ये बता रहा हूँ कि मैंने किस पे वर्क किया है। ये देखें आप, अल्टीमेट मल्टी टूल मेरा MT के जो है वर्जन 3.7 है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर दो ऑप्शन आए हैं हमारे, मेटा मोड और मेटा ओप्पो मेथड 1 और ओप्पो मेथड 2। आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप पे पहले पे सिलेक्ट करके नहीं होता है तो वैसे ये पहले से ही पहले पे ही हो जाता है ओप्पो का A12। और रियलमी पे सिलेक्ट करके, इस पे सिलेक्ट करके जो है आपको अपने एंड्रॉयड के पावर को ऑफ करके, ठीक है, फिर आपको जो है आगे प्रोसेस करना है। ये मेरी वायरिंग लगी हुई है इसमें, जो ये मेरा सेट है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ पूरा। आपको जो है एक बार में अगर नहीं हुआ तो आप सेकंड बार ट्राई करना, ज़रूर हो जाएगा। तीसरी बार ट्राई करना, चौथी बार ट्राई करना, ठीक है। लेकिन ये ओप्पो का A12 जो है हमारा UMT प्रो से कम्प्लीटली हो रहा है, ठीक है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हो रहा, ये हो रहा है सच में। तो आप पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन प्रेस करके रखना, पावर का बटन मत दबाना, ये पावर का बटन दब जाता है तो इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो वॉल्यूम अप और डाउन, ये आपको साउंड आ गया होगा इसका। ये हमारा मेटा मोड पे अभी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है गाइस। कनेक्ट होने के बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी या कलर आ जाएगा, ब्लैक भी हो जाती है, कलर भी आ जाता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो गाइस ये हमारा हो गया है कंप्लीट, आगे प्रोसेस आ गया है, ठीक है। तो आपको डाटा केवल निकाल लेनी है, आप वेट करते हैं। तो ये जो है हमारा ओप्पो A12 जो है हमारा इजीली हो रहा है अल्टीमेट मल्टी टूल से। मेरी वायरिंग आ रही है इधर, तो ये हमारा हो रहा है, इससे इजीली हो जाएगा। अगर एक बार में अगर आपका कनेक्ट नहीं हुआ तो सेकंड टाइम में ये पक्का हो जाएगा। बस कोशिश करते रहें, ज़रूर होगा, उसकी चिंता मत करें कि नहीं होगा ये। लेकिन ये जो है हमारा UMT प्रो है, ठीक है। आप कहीं UMT खाली UMT से करें तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका जो ये फ़ोन UMT प्रो से ही होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो थोड़ा सा समय लग रहा है ऑन होने में, थोड़ा सा समय और लगेगा, फिर हमारा फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आगे कोई सेटअप नहीं करना, इमरजेंसी कॉल पे जाना है। यहाँ पे *813# ये डायल करके आपको कॉल कर देनी है, ठीक है। तो ये जो है आप कॉल ऐसे कर देंगे तो आपका जो एंड्रॉयड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है आपके सामने। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ IT हेल्पर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।